हाय फ्रेंड्स, पिंपल्स क्यों होते हैं? व्हाट आर द बेसिक रीजन फॉर द पिंपल्स? एक्नीज, डार्कनेस, डार्क स्पॉट है, तो ये होते क्यों हैं? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं ना काफी कुछ अलग अलग चीजें, कैसे बचें, नेचुरली कैसे क्यों करें, कैसे ट्रीटमेंट करें, ये सारे वीडियो देखें, लेकिन काफी कुछ कमेंट आए मेरे पास में। उन कमेंट को देखते हुए मुझे लगा कि यार, जब है ना पौधा ही लगा रहे हैं ना, तो उसकी पत्तियां शाखाएं बढ़ने से पहले ही उसको कैसे क्या ट्रीट करना है ना। सो पिंपल्स होते क्यों है, व्हाट आर द रीजन ऑफ द पिंपल्स? सो आप जानना चाहते हैं, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है मुझे पता है, तो आप कहीं से वीडियो को स्कीप या आगे पीछे नहीं करना है, क्योंकि हर एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर जीवन, और हमेशा से ही आपकी स्किन के लिए, मोटापे के लिए और डाइट प्लान के लिए बहुत सारे ऐसे वीडियो लेके आता हूँ जो कि आपको हमेशा से ही बेनिफिट देते हैं। सो दोस्तों, हमारे हमारे मन में अलग अलग तरह के ख्याल आते हैं, मेरी स्किन ऑयली नहीं है इसलिए मुझे पिंपल्स बहुत कम होंगे, मेरी स्किन ड्राई है इसलिए है ना मेरे बहुत बहुत कम होने के चांसेस है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई ऐसा भ्रम में मत जिए, इस तरह के भ्रम में नहीं जीना है। चाहे ऑयली हो, चाहे ड्रे हो, या किसी तरह की थर्ड टाइप की स्किन हो, आपको पिंपल्स, एक्नीज, डार्क स्पॉट होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। व्हाई? क्योंकि एक फर्स्ट जो रीजन है इसके होने का वो है हार्मोनल चेंजेस। क्योंकि एक ऐसी एज होती है, चाहे कोई सी भी टीनेजर एज हो या कोई सी भी एज हो, उसमें आपको है ना ये होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रहते हैं। क्योंकि टीनेजर एज में आपको जो हार्मोन्स है ना उनमें फ्लक्चुएशंस आते हैं, कोई बढ़ रहा है कोई घट रहा है, क्योंकि आप है ना इतनी बॉडी पे इतना ख्याल नहीं देते ना, ध्यान नहीं देते, और बॉडी पे ध्यान नहीं दोगे तो आपको पता है ना क्या कॉन्सेंस है, क्या फ्रीक्वेंसेस है, वो सारी चीजें इसमें आती है। सेकंड वन जो बात करेंगे वो है मेंटल स्ट्रेस। आज का टाइम ही ऐसा है यार, हर बंदे को है ना दस रोटी 3 मिनट में खानी है, 10 बीघा जमीन उमर 30 से पहले खरीदनी है, मेरे को बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी भी छोटी मोटी नहीं चाहिए, तो ऐसे है ना कि मेरे पड़ोसी के पास है मेरे पास नहीं है, तो इससे क्या है स्ट्रेस में आता है। उसको 70% आए लेकिन मुझे तो 36% ही आए, तो ये सारी चीजें क्या है मेंटल स्ट्रेस देती है। और आप ऐसे स्ट्रेस वाले काम लेंगे तो एक्ने, पिंपल्स, डार्कनेस बिल्कुल डेफिनेटली आपको आएंगे। थर्ड वन बात करेंगे डाइट प्लान। डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्यों? क्योंकि आज की एज में है ना आप कुछ भी खा लेते हैं, अटांग शटांग, तेल तीखा तलिया जो भी होता है ना वो सब बड़ांग 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 खा लेते हैं। समोसा खा लिया, कचौरी खा ली, फ्रेंड ने नहीं माना, पिज्जा भी खा लिया, बर्गर भी खा लिया, सैंडविच भी खा लिया, और कुछ तेल का फ्राइड होता है ना वो सब कुछ आपने खा लिया। क्यों खाया भाई? पिंपल्स को बुलाना है क्या? डार्कनेस को बुलाना है? एक्नीस को हाई देनी है क्या? नहीं देनी है ना, तो आपको क्या खाना है? बिल्कुल सिंपल है ना, सिंपल वेजिटेबल्स लेनी है, सलाद लेना है, और बिल्कुल घर का खाना खाना है, जो कि बिल्कुल सात्विक भोजन होता है ना। सात्विक की डेफिनेशन इन द सेंस कि ऐसा खाना जिसमें किसी भी तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी या आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एडेड नहीं हो, वो सात्विक खाने की श्रेणी में आता है। क्योंकि पुराने जमाने के लोग है ना बहुत ही ज्यादा चमक होती थी उनकी स्किन में, क्यों होती थी भाई? वो उनकी डाइट पे ही तो डिपेंड करता है, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन हिज डाइट। सो डाइट अगर वो सही से लेंगे ना तो स्किन भी आपकी बहुत ही ज्यादा चमकेगी। और आप ऐसा चाहते हैं तो आपको डाइट प्लान बहुत ही शानदार फॉलो करना चाहते हैं आप, अगर चाहते हैं कि आपका डाइट प्लान कैसा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपका डाइट प्लान। और नेक्स्ट जो है फोर्थ वन, वो है आपकी मेडिसिन की वजह से। क्योंकि आज का जमाना ऐसा है ना, मोटा नहीं दिखना है, डॉक्टर साहब दवाई लिख दो, मुझे वजन बढ़ाना है, डॉक्टर साहब दवाई लिख दो। अरे यार ये क्या है, तुम शरीर है कि कोई प्ले ग्राउंड है जहां पे बैटिंग कर रहे हो या कबड्डी खेल रहे हो? भाई है ना स्किन में का ध्यान रखना पड़ेगा ना भाई, शरीर का ध्यान रखना, दौड़ो ना भाई, वजन बढ़ाना है तो भी दौड़ो, घटाना है तो भी दौड़ो, तो वही से तो आपका वजन घटेगा बढ़ेगा। बाकी अदरवाइज आप केमिकल लाके है ना अगर बॉडी बढ़ाओगे घटाओगे तो दैट इज नॉट बेनिफिशियल, वो आपको स्किन में और दिक्कतें पैदा कर रहा है, वो दिक्कतें कैसी है वो आपको पता है ना। और नेक्स्ट वन जो पांचवा जो है ना वो है आप पानी कम पीते हैं। क्यों भाई, क्यों पीते हो कम पानी? आपको पता है ना अभी आपके शरीर का 70% भाग है ना जो वजन है वो पानी का ही वजन है, तो उसमें भी आप पानी कम पी रहे हो। अरे यार भाई किसके लिए जी रहे हो आप फिर, अगर पानी नहीं पी रहे हो टाइम से, तो क्या आप स्किन में गोरा होने के लिए पानी पियोगे? नहीं भाई, अगर आपने पानी नहीं पिया है ना तो 70% पानी बहुत ही ज्यादा होता है। अगर आपकी बॉडी में 70% पानी नहीं होगा ना तो आपको डिहाइड्रेशन होगा, कंस्टिपेशन होगा, और अगर आपका पेट ही ना गड़बड़ हो जाएगा तो चमक कहां से आएगी यार,
वैसे ये चेहरा एकदम उदास उदास उतरा उतरा चेहरा दिखेगा। और उतरा चेहरे पे आप कहाँ से लाओगे ग्लो, कैसे लाओगे ग्लो? नहीं आएगा ना, तो आप है ना बहुत शर्मिंदगी फील करोगे। सो दोस्तों, ये कुछ मेजर मेजर रीजन है जिनके पीछे आप अगर पढ़ के उनको अच्छे से जीते हैं ना, इनके अगेंस्ट में काम करते हैं, तो मैं आपको स्टाम्प पेपर गारंटी देता हूं कि आपको कभी एक्नी, पिंपल्स, डार्कनेस कभी नहीं होंगे, मतलब चांस ही नहीं बनता आपको इस तरह के होने के। सो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर करिए, नहीं लगा तो आपने देखा उसके लिए भी थैंक यू, और ऐसे ही आपका जो प्यार है उसको बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।